लोगों को जीवन मिला है, हम जिंदा हैं। बहुत सारे लोगों से पूछा जाए कि आपके लिए जिंदा होने का मतलब क्या है, तो कहेंगे हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोचते हैं, बोलते हैं, शरीर के अंगों को हिला पाते हैं आदि आदि। और सभी लोग ये जानते हैं कि जो आज जिंदा है कल को वह जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है और इसका उत्तर माँ कूष्मांडा के दिवस हमें मिलना चाहिए। वो ये है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई और हम कहाँ चले जाएंगे। आज मैं इसका रहस्य आपको समझाता हूँ। अनेक शास्त्र ऐसे हैं जो मनुष्य के होने का और जब मनुष्य नहीं रहेगा उसका खुलासा करते हैं। ये रहस्य केवल उन लोगों के लिए रहस्य है जिन लोगों ने कभी कोई योग नहीं किया, या उन लोगों के लिए रहस्य है जिन्होंने वो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, उनको समझने का प्रयत्न नहीं किया है, ऊर्जा को समझने का प्रयत्न नहीं किया है, जीवात्मा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन ये रहस्य इतना गहरा रहस्य भी नहीं है जितना ये सामान्यतः सोचा जाता है। कूष्मांडा माँ से हमें इस रहस्य की कुछ परतें खुलती हुई दिखती हैं। यद्यपि इस पूरे रहस्य का विवरण तो मैं फिर किसी दिन आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूर्य के अनेक मंडल हैं जिसमें से मध्य मंडल है, और उस मध्य मंडल की महादेवी हैं कूष्मांडा माँ। इसमें ही सूर्य की ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचयन होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति यहीं से हुई है। लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति यहीं से हुई है, और धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का व्यास किया, इस पृथ्वी को इसको पुष्पित पल्लवित किया, और यह दिन शुरू हुआ था चैत्र के प्रतिपदा से। इसीलिए नवरात्रि में हम प्रथम दिन चैत्र प्रतिपदा को हम हिंदू नव संवत्सर का उदय भी मानते हैं, और यही धरती का प्रारंभ का दिवस भी हम मानते हैं। अब यहाँ से वह ऊर्जा प्रस्तुत होती है और धीरे धीरे यह ऊर्जा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर फैलती चली जाती है, और पृथ्वी भी एक दिन में बन के तैयार नहीं हुई है। लाखों 4 लाख करोड़ वर्ष में ये पृथ्वी आज इस रूप में पहुँची, आज इस रूप में तैयार हुई है। हम आप यहाँ आज हैं, हम आप यहाँ 1000, 2000, 10000, 50000 साल पूर्व भी हो सकते होंगे, लेकिन माँ कूष्मांडा के इस स्वरूप के पूजा का दिन है। इसलिए मैं बाकी बातें तो आपसे बाद में करूँगा, लेकिन ये एक ऐसा विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। इसे जो समझ लेता है वह बहुत बुरी परिस्थितियों से भी निकल आता है। आप तो जानते हैं मैं ये आपसे कभी नहीं कहता कि सारी परेशानियाँ नष्ट हो जाएंगी, आप सब जीत जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। काल सदा मनुष्य के आगे चलता है, लेकिन मनुष्य अपने आप को एक बहुत बड़े रूप में परिवर्तित कर सकता है, साधारण से विलक्षण बन सकता है, यदि माँ कूष्मांडा का यह रहस्य समझ ले, और वह उपाय जो मैं गुरु मंत्र में बताऊंगा साल में कभी कभार कर लिया करें। अब सबसे पहले आप यह जानिए कि माँ कूष्मांडा जी का ध्यान कैसे होगा, फिर यह जानिएगा कि माँ कूष्मांडा का मंत्र कौन सा है, उसके बाद फिर हम ये आपको बताएंगे कि क्या आपको दान करना है। लेकिन पहले मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का हाल जाने। मेष राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा ध्यान से चलने का है। यद्यपि धन आने की कोई चिंता नहीं, आपकी वाणी से लोग प्रभावित भी होंगे, प्रतिष्ठा की भी कोई समस्या नहीं, परंतु एकाग्रता की कमी रहेगी। और दूसरी चीज, जहाँ प्रेम होगा वहाँ तकरार इस दिन हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान दें। विद्यार्थी वर्ग इस दिन बहुत ध्यान दें, बहुत मेहनत करके पढ़ना होगा, और वे सभी लोग जो इस दिन किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें कुछ उपाय अवश्य करने होंगे। लेकिन पहले सावधानी जान लीजिए, इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ बड़बोलेपन की वजह से कहीं आपको गलत प्रॉमिस ना कर दें, उसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ उपाय इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों से प्रेम पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए और एकाग्रता पाने के लिए, जिससे आपके काम बने। इस दिन आपको गुड़ शहद का दान अवश्य करना है, गाय गुरु और मंदिर की सेवा अवश्य करनी है। बस ये उपाय कर लीजिएगा तो उन्हें चाहता अच्छा होगा। वृषभ राशि, ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता रिश्तों के मामले में, बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है, उत्साह है, नई सोच है। इस दिन आपके चेहरे पर नई रंगत भी रहेगी, परंतु रिश्ते आपको मायूस कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अच्छा है, हाँ सोच आपकी कभी कभी नकारात्मक में अहंकार से भर के कुछ गलत डिसीजन दिलवा सकती है। एक चीज़ मैं और आपसे यहाँ कहना चाहूँगा, वृषभ राशि के जो भी लोग हैं इस दिन मित्रों के साथ बहुत सोच समझ के व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। सावधानी, इस दिन एक ख़ास चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा,
और वह है भाषा। भाषा के गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है। जो लोग वाहन तेज चलाते हैं वो तो बहुत ध्यान से ही वाहन चलाएं, नहीं तो इस दिन दुर्घटना के संकेत भी मिल रहे हैं। उपाय: दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का अभी अभी जप कीजिए 21 बार बैठ के, उसके बाद काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि: बहुत ध्यान से चलिएगा क्योंकि इस दिन शत्रु बहुत प्रबल है और आपका नुकसान कर सकते हैं, अहित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रोगों का भय है। यदि आप सही से अपनी दवाई या परहेज नहीं करेंगे तो आपका कोई पुराना रोग इस दिन उखड़ सकता है, तो ध्यान से चलें, सावधानी। इस दिन यात्रा करने के हो सकता है बहुत लाभ आपको ना मिले, और साथ ही साथ जब आप यात्रा करें तो अपने जान माल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अलर्ट करें रखिएगा अपने आप को। लेकिन उपाय है, उपाय से सब ठीक करेंगे प्रभु। और उपाय के तौर पर इस दिन आपको ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप करना, अभी बैठिए अभी वह जप कीजिए और तदुपरांत अपने काम पर निकलिए तो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि: यह दिन आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छे विचार हैं, मन इस दिन प्रबल है, मजबूत है और आप विजय के लिए आतुर हैं और विजय आपको ईश्वर कृपा से जरूर प्राप्त भी होगी। सावधानी लेकिन एक रखनी होगी आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, और कुछ दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है: दिन को बेहतर बनाने के लिए ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय का आप 108 बार अभी जप कीजिए या अर्घ्य स्त्रोत का पाठ कीजिए और अपने काम पर जुटिए, सब मैनेज करिए।